आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बजाज फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी के आज क्वार्टर वन के रिजल्ट लग चुके हैं। कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट में। अभी क्या खास हुआ है और क्या बढ़िया कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज समझना दोस्तों कि बजाज फाइनेंस ये एक्चुअली कंपनी कितनी पावरफुल है और अभी रिजल्ट के बाद में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाली है, इसके टारगेट क्या रहेंगे और कंपनी में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उसको समझिए। क्या होता है यहाँ पर, जब भी स्टॉक में रिजल्ट आते हैं उसके बाद में उसका रिएक्शन दोस्तों और साथ साथ उसके रिजल्ट में कितनी क्वालिटी थी वो देखकर हम डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए कहूँगा आप ज़रूर रिजल्ट पर फोकस करना और सभी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों कि बजाज फाइनेंस में एक्चुअल रिजल्ट में कितनी खासियत थी और कितना अच्छा इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक खास चीज़ कि बजाज फाइनेंस ये इतनी क्वालिटी वाली कंपनी दोस्तों, इस कंपनी ने अभी तक बहुत से इन्वेस्टर को करोड़पति बना भी दिया है और आपको कहूँगा आपको बना देगी। प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है और अभी भी जो रिजल्ट है उसको भी कवर करेंगे। कोई डिविडेंड दिया है क्या वो भी डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फोकस करना कि यहाँ पर कंपनी ने एक रुपये का भी डिविडेंड अभी इन्वेस्टर के लिए अनाउंस नहीं किया है और यहाँ पर हम जैसे और कुछ चीज़ों पर फोकस करें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी के रिजल्ट पर, तो इतने अच्छे रिजल्ट है दोस्तों मैं आपको कहूँगा शॉकिंग इसलिए क्योंकि कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी यहाँ पर आप बोलेंगे बढ़िया कैसे है, तो मैं आपको रिजल्ट से पहले एक प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस कंपनी करती क्या है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना एनबीएफसी स्टॉक है, एनबीएफसी स्टॉक बोलते नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो काम करती है। यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल आप सभी जानते हैं कि जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है और साथ साथ ये भी पता है कि क्या होता है, लोगों को जो लिक्विडिटी या पैसों की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, लोन लेंगे। तो लोन लेंगे ज़रूर और लौटाएंगे भी, बट दोस्तों यहाँ पर जो अभी काम है फिलहाल तो लोगों को यहाँ पर वर्क नहीं है, तो इसलिए क्या होगा जो इनके यहाँ पर पेड करने वाले जो लोग होते हैं जो भी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट उसमें थोड़ा यहाँ पर क्या होगा देर लगेगी। तो इस पर क्या होता है, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं एनपीए उसमें थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ दिखाई देती है। अभी मैं उस पर भी आ जाऊँगा और वो भी पॉइंट डिस्कस करूँगा। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कंपनी के जो ये रिजल्ट है नंबर कैसे है, तो आपको इन करोड़ में है। यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों कंपनी के टोटल जो इनकम के बारे में। अभी इनकम पर फोकस करना, पिछले साल देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्च महीने में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको कहूँगा ये क्वार्टर थ्री फोर के रिजल्ट है, क्वार्टर वन के रिजल्ट है और ये पिछले साल के हैं। पिछले साल बोले तो आपको कहूँगा दोस्तों जून महीने में 2020 के बाद भी यहाँ पर कंपेयर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार जो कंपनी का रेवेन्यू और यहाँ पर इनकम को भी जो यहाँ पर एडिशनल होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल जो भी यहाँ पर अदर सोर्स से इनकम होती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें दोस्तों पिछले साल यहाँ पर 5901 करोड़ का जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, इनकम कहेंगे रेवेन्यू कहेंगे सभी मिक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमें जैसे थे दोस्तों वैसे परफॉर्मेंस है। खाली कितना दोस्तों, तो आपको कहूँगा 15 करोड़ का डिफरेंट है पिछले साल में और इस साल में 15 करोड़ का खाली है। और यहाँ पर आप जैसे क्वार्टरली बेस पर चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए पिछले क्वार्टर में क्वार्टर फोर में कंपनी ने 6010 यहाँ पर करोड़ का जो परफॉर्मेंस किया था, तो वो यहाँ पर घटकर देखिए 5916 करोड़ का हुआ है। बोलते यहाँ पर हमें जो गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिली है टोटल इनकम में, अभी टैक्सेस वगैरह सभी कुछ यहाँ पर डिडक्ट होने के बाद कंपनी के पास देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, इसको आप अंडरस्टैंडिंग करना। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा जैसे कि जो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट है या कंपनी के बिजनेस पर जो असर कोविड-19 का लॉकडाउन का हुआ है, तो उसमें भी आप एक बात समझ सकते हैं कि कंपनी ने कमाई करने में कोई कमी नहीं रखी है। आप यहाँ पर ज़रूर देखना दोस्तों पिछले साल जो कंपनी कमाई थी और अभी के जो कमाई है उसमें कोई डिफरेंट है क्या। पिछले साल देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा दोस्तों ये कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 340 बोलते हो 314 करोड़ का, वो यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने मिलेगा, कितना हुआ है 306 करोड़ का। बोले तो यहाँ पर हमें देखिए राउंड फिगर की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हम कह सकते हैं 12 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट है, बोलते तो 10-12 करोड़ के अंदर की बात हो रही है डिफरेंट पर ईयरली बेसिस पर। और यहाँ पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो आप क्वार्टरली बेसिस पर समझ सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था 410 करोड़ का, अभी देखिए कितना होगा 306 करोड़ का। बोलते तो कंपनी एक तो दोस्तों यहाँ पर ईयरली बेसिस पर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाई है और आपको कहूँगा अच्छी क्वालिटी मेंटेन भी की है, बट जो हम क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो रिजल्ट थोड़े कम आए हैं। अभी यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर दोस्तों इसका देख सकते हैं, आपको बताना चाहूँगा खास कर इस पर नज़र रखना, कंपनी ने इम्प्रूवमेंट बढ़िया की है और काफ़ी अच्छी बात है। बजाज फाइनेंस एक कंपनी क्वालिटी वाली है और कंपनी में देखेंगे तो बहुत से यहाँ पर जो डेवलपमेंट के वर्क होते दोस्तों होते रहते हैं। कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत क्वालिटी अच्छी है कंपनी की, और कंपनी यहाँ पर सभी बिजनेस में पर्सनल लोन, एजुकेशन, व्हीकल, सभी जितने भी हम लोन देखते हो सभी के सभी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर हम NSE की वेबसाइट पर जाके परफॉर्मेंस भी चेक करें, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते दोस्तों, यहाँ पर आपको 270,000 के करीब की क्वांटिटी यहाँ पर इन्वेस्टर खरीदते नजर आएंगे और 19% के करीब की डिलीवरी उठाई गई है। और यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप डिटेल में भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है कि कंपनी के रिजल्ट अभी भी अच्छे है दोस्तों, और पिछले बार भी जो रिजल्ट आए थे उसमें भी कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया था। और यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर सभी को पता था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रिजल्ट आए, और इतना ही एक्सपेक्टेशन था कि दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर परफॉर्मेंस में कम ज़्यादा होगा 19-20, बट यहाँ पर सभी चीज़ें ठीक है, ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं था। आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में अच्छे से अच्छे स्टॉक आज गिरते नजर आए, बट बजाज फाइनेंस में कवर किया है और खुद को दोस्तों मेंटेन कर रखा है। और अच्छी बात है कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक देखिए कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक यहाँ पर अच्छी बात है कि इसमें लॉन्ग टर्म में देखिए बहुत अच्छी और बढ़िया वेल्थ क्रिएशन होती है, तो यहाँ पर आप जरूर इसका यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करना। जो भी इन्वेस्टर खरीद कर बैठे हैं वो यहाँ पर फायदा उठा सकते हो दोस्तों, और आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रहना, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।